यहाँ के नव निर्वाचित खासदार हैं संजय दीना पाटिल साहब, इनके माध्यम से आज वार्ड में सभी अधिकारियों को बुलाया गया। अब जो मानपुर शिवाजी नगर के जो इश्यूज थे हर वार्ड के, वहाँ पे लोगों की बातों को रखा गया। ये बहुत अच्छी पहल, उन्होंने जीतने के साथ ही जीत मिलने के साथ ही उन्होंने मानपुर शिवाजी नगर के लिए ध्यान दिया और एक अच्छी पहल बोल के ये पहली मीटिंग लगाई जिसमें हमारे एनसीपी शरद पवार बोल के राकेश जाधव साहब भी साथ में थे। तो सब वार्ड के इश्यूज थे, मैंने मेरे वार्ड के इश्यूज के बारे में बोली, जैसे कि वहां पे कलेक्शन होता नहीं है, रोड्स के कुछ इशू है, पॉटहोल के इश्यूज थे, उसके बाद में जो नाले सफाई का हुआ है वो सही नहीं हुआ है, नाले बैठे जो तो मुद्दे होते हैं बोल के वो बोर्ड में बोला गया, उनके बारे में एक क्वेश्चन किया गया। तो वो हमको बोर्ड ऑफिसर ने बोला है कि आने वाले 1 महीने में इसका फॉलो अप लेके उसके रिजल्ट दिखेंगे और हम आशा करते हैं कि इसके रिजल्ट दिखेंगे और हमको पता है, आशा नहीं पता है कि भाव है तो पक्का रिजल्ट अभी दिखेंगे। खासदार यांनी आज जयपूर विभागामध्ये एक सदिच्छा भेट महाविकास आघाडीचा संपूर्ण कार्यकर्ता समवेत मानपूर शिवाजी नगरच्या प्रश्नावरती एक चर्चा सत्र वॉर्ड ऑफिसर सन्माननीय अलका ससाणे मॅडम व त्यांच्या सर्व सहकारी यांच्यासोबत मांडण्याचा प्रयत्न केला। आजच्या या चर्चेमध्ये खासदार साहेब आणि सर्व आजी माजी नगरसेवक राखीताई मुंबईचे अध्यक्ष हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित होते। मानपूर शिवाजी नगरचा या ठिकाणी ज्या गेल्या 10 वर्षापासून ज्या समस्या रखडल्या होत्या त्या समस्या रखडल्या होत्या त्याचं निरंतरण करण्यासाठी आज खासदारांच्या माध्यमातून आमचं सर्व पक्ष या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत या ठिकाणी बैठक संपन्न झालेली आहे आणि अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सर्वांना आश्वासित केलेलं आहे की गेल्या 10 वर्षाची जी समस्या अपुरी होती ती या ठिकाणी समस्या पूर्ण करून देणार असं या ठिकाणी संजय भाऊ यांच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांनी आम्हाला आश्वासित केलेलं आहे। त्या अनुषंगाने मी संपूर्ण मानपूर शिवाजी नगर मधील मतदारांना सांगू इच्छितो की आता या ठिकाणी आपलं या महाविकास आघाडीचे खासदार आपल्या सोबत आहेत आणि तुम्ही आम्ही सुद्धा या ठिकाणी प्रमुख कार्यकर्ते प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी आपापल्या वार्डातली आपापल्या प्रभागामधली समस्या मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्या समस्याचं निराकरण संजय भाऊच्या माध्यमातून नक्कीच होईल असं या ठिकाणी संपूर्ण मतदारसंघांना माझं जाहीररित्या विनम्र आवाहन आहे। करण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयाची उधळण मुंबई महानगरपालिकेने केली आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सामन्याने केली हे मुंबईकरांनी पाहिलेलं आहे। आज या ईशान्य मुंबईचे आमचे सर्वांचे लाडके खासदार श्री संजय दीना पाटील यांच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीच्या सर्व प्रमुख कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक या MEST वॉर्डमध्ये बोलावली गेली आणि या मीटिंगमध्ये प्रामुख्याने नागरी सुविधेची जी कामं बारगळलेली आहेत आणि या पावसाळ्यामध्ये लोकांना अपेक्षित असणारी जी कामं होत नाहीयेत याच्यावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये चर्चा सहकाऱ्यांच्या वतीने झालं असं आम्हाला जे आश्वासन प्रशासनाच्या वतीने केलेलं आहे तर आम्हाला खात्री आहे की आज आमच्या खासदारांच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या समोर जे काही विषयांची मांडणी या ठिकाणी झाली तर निश्चितपणे ही सगळी कामं जी आहे लवकरात लवकर पूर्ण केली। डिसेल्टिंग का मुद्दा घेतलाय का समितीने? डिसेल्टिंग का कोई मुद्दा लिया है क्या? या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रत्येक विषय जे आहे हे नागरी सुविधेचे आहेत, लोकोपयोगी कामांची आहेत, अनेक योजना ज्या महानगरपालिकेच्या आहेत या सर्वांच्या बाबतीत या ठिकाणी चर्चा झालेली आहे आणि प्रशासनाने या ठिकाणी त्या विषयांना उजाळा दिलेलाच आहे आणि प्रामुख्याने आज कब्रिस्तानचा जो विषय आहे या विभागातल्या लोकांचा जिव्हाळ्याचा जो विषय त्याच्यासाठी प्रशासनाने आश्वासित केलेलं आहे की यासाठी आरक्षित असणारी जी जमीन आहे ती पहिली त्या ठिकाणी सुरक्षित केली जाईल आणि लवकरात लवकर ही व्यवस्था या विभागातल्या लोकांना दिली जाईल। ताने के आप क्या कहेंगे? आज सबसे पहले तो हमारे खासदार जो अभी इस वक्त चुनकर आए हैं ये इतना बेहतरीन उन्होंने काम किया है और हमारे विभाग प्रमुख जी के नेतृत्व में सुरेश पाटिल जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आए और इलाके के सारे विषय तो रखे। हमारे खासदार को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि 10 साल से जिस मुद्दे को लेकर यहाँ की अवाम इतनी परेशान थी और वो था कब्रिस्तान का मुद्दा, लेकिन कब्रिस्तान का मुद्दा मुसलमानों से जुड़ा हुआ है तो 2 बार बीजेपी के MP थे और हमने उनसे हजारों बार उनको लेटर दिए और चाह रहे थे कि वो ये विषय उठाए और ये विषय पे काम करे, लेकिन उन्होंने कभी भी हमेशा हम लोगों से नजरअंदाजी की और हमारा काम नहीं किया। लेकिन ये पहली बार ऐसा मैंने खासदार देखा कि अभी जीत कर आकर सिर्फ 10-12 दिन हुए और उन्होंने हमको इलेक्शन के दौरान जो वादा किया वो वादे की पूर्ति के लिए वो आज यहाँ पर पूरी टीम को लेकर और हमारे विभाग प्रमुख
जिनके नेतृत्व में हम यहाँ पर सब जमा हुए और ये इतनी जोरों शोर से कब्रिस्तान के विषय पर एक एक टॉपिक रखा गया कि कब्रिस्तान की जगह को कैसे पहले उसको सुरक्षित किया जाए, किस तरीके से उसका काम किया जाए और बाकी के तमाम मुद्दे रखे गए, वो गटर के मुद्दे हो, सड़क के मुद्दे हो, स्ट्रीट लाइट के मुद्दे, वो सब रखे गए। लेकिन जो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था, कब्रिस्तान का मुद्दा, जो कोई नहीं उठा रहा था, 10 साल से हम परेशान हो रहे थे। बीच में जब कब्रिस्तान बंद कर दिए गए थे तो चीता केम और नारियल वड़ी हमको अपनी मैयतों को, मट्टियों को लेकर जाना पड़ रहा था। हम इतने परेशान हो रहे थे और इलेक्शन में सबने संजय दीना पाटिल जी से इस विषय को रखा और उन्होंने बोला कि मैं जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा सबसे पहले ये विषय को मैं उठाऊंगा। और वो आज यहाँ पर आए, मैं आपके माध्यम से और सामने खड़े हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे मालूम है, यकीन है पूरा कि आप ये काम 100% होगा और जरूर होगा। आपको कैसा फील होता है कि अगर आपने 10 साल पुरानी पार्टी को छोड़ दिया और यहाँ से आप अभी शिवसेना ज्वाइन किया, आपने उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या डिसीजन सही है गलत है, कैसे? बिल्कुल मेरा डिसीजन सही है क्योंकि मैं कभी जात पात और मजहब के राजनीति करती नहीं हूँ। संजय दीना पाटिल भी हिंदू है, हमारे विभाग प्रमुख भी हिंदू है, यहाँ खड़े ये भी हिंदू है, हम सब हिंदू के साथ ही खड़े हैं क्योंकि हमारे बीच में भाईचारा है, प्यार है, हम जात पात की राजनीति नहीं करते। और बीजेपी सिर्फ जात पात की राजनीति करती है, ये उसने 10 साल में साबित किया। और 10 साल में हमें ऐसा लग रहा था कि हम गलत पार्टी में है और हम जब इन सब के नेतृत्व में हम शिवसेना में आए तो आज हमें दिल से सुकून महसूस हो रहा है और लगा कि ये हर धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं और ये कर दिखाया उन्होंने। इसके लिए धन्यवाद है संजय दीना पाटिल जी को। मुझे मस्त चांगले फोटो जी नहीं संजय भाऊ पाटिल जे आपले महाविकास आघाडीचे खासदार आहेत, त्यांच्या माध्यमातून एम इशला जे आपण नागरी सुविधेच्या बाबतीची बैठक लावली, त्या बैठकीमध्ये स्थानिक लोकांचे प्रश्न जे होते, पाण्याचे असेल, नाल्याचे असतील, टेबलीचे असतील, इतकी मोठा प्रश्न जो काही तो कब्रिस्तानचा होता, हे प्रश्न सोडवण्यासाठी जातीने या विभागाच्या बोर्ड ऑफिसर ससाने मॅडम यांनी खासदार साहेबांना शब्द दिलेला आहे की येणाऱ्या काळामध्ये हे सगळे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न माझ्या माध्यमातून केला जाणार, कारण मागच्या 10 वर्षांमध्ये या विभागामध्ये कोणीच खासदार असून ते आमदार असून ते लक्ष दिलं गेलं नाही। पण येणाऱ्या काळामध्ये आता महाविकास आघाडीची तुमच्या 4 वर्षांनी पण सत्ता, 4 महिन्यांनी सत्ता येतेच आहे, त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये खासदार साहेब आमदार साहेबांच्या माध्यमातून इथे चांगल्या पद्धतीने जे जे लोकांचे प्रश्न प्रलंबित राहिलेले ते सोडवण्यासाठी आम्ही सगळे खासदार साहेबांच्या बरोबर जातीने लक्ष देऊ या विभागाचा कायापालट केल्याशिवाय राहणार। धन्यवाद। आज हम सबके प्यारे खासदार संजय दीना पाटिल, जो इलेक्शन के टाइम पे उनसे गोंडी की जनता ने बहुत सारी अपनी मांगें रखी थी और उन्होंने जो वादा किया था, जैसे कि जैसे प्रमुख मुद्दे जैसे हमारा कब्रिस्तान एक बहुत बड़ा मसला था, उसको लेके आज संजय भाऊ ने यहाँ पर मूवी इंडिया अलायंस के साथी थे सारे लोगों को लेके आकर यहाँ पे वार्ड ऑफिसर जितने भी उससे संबंधित अधिकारी थे सबको लेके उन्होंने मीटिंग की और उनको स्ट्रिक्ट एक्शन दिया किया है कि जो देवनार कब्रिस्तान का जो वॉल बनाने का जो काम है वो जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए क्योंकि कब्रिस्तान अभी देवनार फुल हो चुकी है, रफीक नगर भी कुछ दिन में फुल हो जाएगी तो हमको यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। तो भाऊ का जो तरीका है काम करने का बहुत बेहतरीन है, यानी भाऊ का जो एक चीज़ है ना कि मैं खासदार नहीं हूँ, आप लोग सब खासदार हो, तो भाऊ लगभग जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं ना, भाऊ वो सबको महसूस करा रहे हैं क्योंकि जो भी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता कोई भी, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, अदर पार्टी कांग्रेस हो गया, समाजवादी हो गया, एनसीपी हो गया, सबको भाव लेके चल रहे हैं और ये इनका तरीका जो है ना बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं इन सबकी मोहब्बत की वजह से आज भाव यहाँ पर और इंशाल्लाह आगे भी भाव रहेंगे। सब लोग दिखने का ऐसा कहना है कि अनिल कपूर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, सीएम ने कितना फास्ट काम किया था, लेकिन आप 5 साल के लिए यहाँ पर एमपी आप इतना फास्ट काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? चुनके आके अभी 15 दिन हो गए, ये तो पहले दिन होना चाहिए, पहले दिन मैंने बोला था जिस दिन चुनके आएंगे उस दिन आए, पर मिलना जुलना हो रहा था और सब प्रशासन भी इलेक्शन के ड्यूटी में था, उनको भी थोड़ा वक्त देना चाहिए और हमारे मुद्दे क्या थे हमने उनको पहले से बताए थे, अभी थोड़ी तैयारी की है और ऐसा होता है लोक प्रतिनिधि लोगों का और हम नगर सेवक आमदार खासदार एक समन्वय होना चाहिए, वो करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी लोगों की समस्या है हमने उनके पास रखी है और जो भी समस्या है या जो भी मार्ग है उनकी अधिकारियों की भी बहुत समस्या रहती है,
उनको ऊपर से आदेश मिलना पड़ता है और जो काम होता है हम लोग ऊपर से नहीं कर रहे, नीचे से शुरू कर रहे हैं। इसके लिए बेस से हम लोग ने शुरू किया है, सब मेरे साथ कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आपके सभी, हमारे जो इंडिया अलायंस के सभी लोग, जो नगर सेवक है हमारे और सब सीनियर हमारे सुरेश पाटिल जी है, सभी नगर सेवक लोग है, राखी दाई हमारे राष्ट्रवादी के मुंबई के अध्यक्ष है, सीनियर नगर सेविका है, सब लोग यहाँ पे आके उन्होंने अपने अपने जो मुद्दे थे, लोगों के जो मुद्दे थे जो हमारे पास आए थे, हमने वहां रखा है और जल्द से जल्द उसका निवारण हो इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन हम लोग मिलके और जो भी समाज के सिर्फ एनजीओज है, जो भी है, जो भी लोग काम कर रहे हैं समाज में, उनका सबका राय लेके और हम प्रशासन को लेके आगे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि इलेक्शन होने के बाद जो यूपी हुई थी, सारे लोग अलग अलग पार्टीज के लोग एमपी जीतने के बाद सब अलग अलग हो गए, लेकिन क्या ऐसी खास बात है आपके अंदर की समाजवादी पार्टी के सारे लोग आपकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे, आम आदमी के लोग आपके साथ खड़े हुए यहाँ पे, अलग अलग पार्टी के लोग अभी भी साथ जुड़े हुए हैं? इन्हीं लोगों ने तो हमको चुन के दिया है, सभी लोगों ने चुन के दिया है और लोगों ने भी चुन के दिया है, इस बार लोगों ने पार्टी यूनिटी देखा नहीं है, सभी लोग टूट पड़े थे, लोगों को जो काम इतने साल हो नहीं रहे थे और खासकर शिवाजी नगर गोवंडी और इस विभाग को तो एकदम सौतेला विभाग, सौतेला व्यवहार दे रहे थे, तो अभी मैं चुन के आया हूँ और सिर्फ मैं चुन के नहीं आया हूँ, मेरा मानना है क्या, मैं तो एक उनका प्रतिनिधि हूँ, पर ये लोग सब लोगों ने मेहनत किया है और ये लोग लोगों के पास गए थे, इन्हीं लोगों ने मुझे चुन के दिए और लोगों के भी काम इन्हीं से होने वाले हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे सेरू, ये लोग मेरे हाथ पैर दिमाग सब पूरा बॉडी के पार्ट है जो सब लोग मिलके काम करते हैं, तो हम लोग मिलके सब लोग काम करेंगे लोगों की समस्या दूर करने में, हम लोग सब क्या क्या खास मुद्दे जो 1-2-3 पॉइंट्स क्या रहते थे? खाली पॉइंट अभी तो बारिश आने वाला है, नाले सफाई नहीं हुई, रोड का काम है, बहुत से मुद्दे है, स्कूल है, ड्रग्स का है, हॉस्पिटल का जो मेन मुद्दा है, फिर कब्रिस्तान का जो प्रमुख मुद्दा है, मुद्दे तो बहुत है, काम करने के लिए बहुत है, कुछ काम ही नहीं हुआ है, जो डंपिंग ग्राउंड है वो बंद करना है, एसएमएस कंपनी का जो है तकलीफ है लोगों को, मुद्दे बहुत है, काम करने के लिए बहुत से है, अभी शुरुआत हुई है, अभी करेंगे धीरे धीरे और पूरे जोश में और सबको साथ में लेके काम करेंगे। धन्यवाद आपका भी, और आपका भी धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने जो प्रेस के लोग है उन्होंने लोगों की समस्या हम तक पहुंचाई है और हमारी जो राय है लोगों तक पहुंचाई, आपका धन्यवाद, और आगे भी हम लोग मिलके काम करेंगे, लोक प्रतिनिधि है, एनजीओज है, सब लोग है, प्रेस का, हर आदमी समाज का एक पिलर है, तो मिलके हम लोग काम करेंगे, आपका धन्यवाद। दीवाने है लगा इंडिया के नारा, मशाल है ये हमारा, मशाल है ये हमारा, है हमने ये थानी है मोदी को हराना, है मोदी को हराना, मशाल को ही ठिकाना, मशाल को ही ठिकाना, फोटो निकाल जाए।